सबसे पहले दाबेली मसाले के लिए हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। इसमें है जीरा, खसखस, तिल, लौंग, स्टार, दालचीनी, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, खड़ा धनिया। इसके साथ हमने ले ली है काश्मीरी लाल मिर्च खड़ी वाली। काश्मीरी लाल मिर्च खड़ी वाली आपको ना मिले तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल मिर्ची है आपके पास तो आप एक से दो डालें, नहीं तो ये बहुत तेज हो जाएगा। मसाला रोस्ट होने के बाद आप इसको ठंडा कर लें और मिक्सर में मैश कर लें। एक कटोरी इमली और तीन खजूर हमने भिगो के रख दी हैं। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। हमने खजूर चीनी की जगह इस्तेमाल किया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी, और जीरा अजवाइन का पाउडर, ये सेका हुआ है। यहाँ लिया है हमने बटर और उसमें डाला है क्रश किया हुआ लहसुन। थोड़ा सा अदरक किसके डाल देंगे हम इसमें। जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो प्याज और लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज। मूंगफली को हम दरदरा कूट लेंगे। मूंगफली सिक जाए तो इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अब डालेंगे इसमें टमाटर, अब डालेंगे नमक, टमाटर अच्छी तरह से पक गया है, अब इसमें डालेंगे आलू, धनिया, और डालेंगे किशमिश,
और डालेंगे दाबेली मसाला जो हमने सबसे पहले बनाया था। अब डालेंगे खजूर और इमली की चटनी। आप एक नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो। तवा गरम हो जाए तो बटर लगा के उस पर और हम पाव में दाबेली मसाला ऐसे फिल कर देंगे और इसको चारों तरफ से सेक लेंगे। चीज़ी दाबेली के लिए हम यहाँ पे चीज़ को ग्रेट कर लेंगे।